जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का सिस्टम क्या रहता है, क्या रिपेयरिंग का तरीका होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, आपको मैंने पूरा सिलेबस भी समझाया था कि क्या क्या सारी चीजें सीखनी है। आज मैं आपको बेसिक का सिलेबस समझाता हूँ, बेसिक कि बेसिक क्लास में आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग से संबंधित आपको क्या क्या सारी चीजें सीखनी चाहिए। बेसिक का मतलब क्या रहता है, जैसे आपका मोबाइल फोन के अंदर ये बोर्ड आता है, ये बोर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीसीबी प्लेट, इस प्लेट के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, आपको बेसिक सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज होती है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होते हैं, एम्पियर क्या होता है और वॉट क्या होता है। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, वॉट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा मोबाइल फोन जो चलता है वो करंट से चलता है, किससे चलता है, करंट से चलता है, सप्लाई से चलता है। तो जाहिर सी बात, उसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेगा। कोई भी चीज देख लीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मुझे एक्टिव रखना है या मुझे जिंदा रहना है या मुझे कुछ भी काम करना है तो जाहिर सी बात है मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी, मैं खाना खाऊंगा, दाल रोटी चावल जो भी खाना खाया वो मेरे लिए खाना खाऊंगा, फिर उससे मुझे एनर्जी मिलेगी, फिर मैं एक्टिव होऊंगा तब काम करूंगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जो आपकी डिवाइस बनी हुई है वो भी सारी डिवाइस क्या होता है, उनका भोजन क्या है, करंट। जब उनको करंट मिलेगा तो करंट से एनर्जी मिलती है, जब करंट से एनर्जी मिलेगी तब वो डिवाइस आपकी स्टार्ट होती है, जब आपकी डिवाइस स्टार्ट होगी तब वो काम करना शुरू कर देगी। अब वो काम शुरू करने के लिए क्या है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, वॉट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे, इनका कैलकुलेशन समझेंगे। जैसे हमारे मोबाइल फोन में 2000 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh की बैटरी आ रही है, उसमें कितने एम्पियर का चार्जर काम करेगा, ये सारी चीजें एक्चुअली क्या है, बिल्कुल एक फॉर्मूला बना हुआ फिक्स है। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मोबाइल फोन में कोई भी चार्जर उठा के लगा देते हैं, बाद में पता चला फोन में चार्जिंग नहीं हो रही, चार्जिंग हो रही है तो स्लो चार्जिंग हो रही है, ये चार्जिंग हो रही तो बहुत जल्दी चार्जिंग हो रही है, और जल्दी चार्ज होते होते बैटरी फूल जाती है, खराब हो जाती है, उनको पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि उनको कैलकुलेशन नहीं पता चलता। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारा भी एक कैलकुलेशन है, एक सामान्य आदमी को 4 रोटी दाल चावल सलाद खाना चाहिए, अरे तुम्हारी मर्जी तुम ना खाओ, तुम्हारी मर्जी तुम 4 की जगह 8 खा जाओ, उससे क्या होता है, लेकिन एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि जो बैटरी होती है उस बैटरी का फॉर्मूला होता है कि उसको किस हिसाब से किस लेवल में चार्ज होना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपका फोन सेफ रहता है या फोन में आने वाली समस्याओं को आप समझ सकते हैं। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं मल्टीमीटर क्या होता है। मल्टीमीटर क्या होता है, ये जैसे मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं, किस तरीके से मल्टीमीटर में एक एक करके जो भी सारे पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स को हम चेक करते हैं, वो पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो उन्हें कैसे चेक किया जाता है, ये सारा सब कुछ हम मल्टीमीटर द्वारा टेस्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी मशीनें होती है ना, ये हमारे रिपेयरिंग काम को आसान बनाती हैं, कि मतलब बहुत जल्दी हम काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और जब तक जैसे कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर वो आपको चेक करना चाहता है तो एक मशीन लगाता है, अब मशीन लगाने के बाद खुलाता है, फिर वो चेक करता है कि बीपी कितने का है। अब ये मशीन से ये मतलब नहीं है कि बीपी तुम्हारा लो है कि हाई है, वो तो बता देगी, 200 का तो 200 बता देगी, 500 का तो 500 बता देगी, 50 का तो 50 बता देगी। फिर वो डॉक्टर निर्धारित करता है कि भाई इतने के बीच में है तो नॉर्मल है, इससे कम है तो लो है, उससे ज्यादा है तो हाई है। उसी तरीके से मल्टीमीटर जो होता है किसी पार्ट्स के बारे में बता देता है। जैसे मैंने बैटरी को चेक किया, उसने बता दिया कि बैटरी 2 वोल्ट की है। अब ये तुम्हें निर्धारित करना है कि बैटरी तुम्हारी सही है या खराब है। अगर हमें पता है कि भैया 3.7 से 4.2 में है तो चार्ज है, अगर उससे कम है तो डाउन है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। या कोई दूसरी बैटरी लगाओगे, अगर तुमने ज्यादा करंट दे दिया तो आपका मोबाइल फोन फूक जाएगा। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, तो मल्टीमीटर में ये समझेंगे। मल्टीमीटर के बाद आपका अगला पार्ट्स आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। उसके बाद फिर आपका आता है कैपेसिटर, फिर आपका आता है क्वाइल, डायोड, ट्रांजिस्टर,
ट्रांसफॉर्मर, क्रिस्टल, स्पीकर या रिंगर, वाइब्रेटर, बैटरी, डिस्प्ले, टच, आईसी या ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या होता है? इत्यादि, जैसे आपका कैमरा, फिंगर सेंसर या फ्लैश लाइट, ये सारी वगैरह वगैरह आ जाती हैं। तो ये इतने आपके मोबाइल फोन के अंदर पार्ट्स लगे होते हैं। ये पार्ट्स क्या होता है? ये मिल करके पूरे मोबाइल फोन को चलाते हैं। कोई भी फोन हो, सारे फोन के अंदर वही सिमिलर पार्ट्स लगे होते हैं। जैसे कॉमन सी बात है, अगर हमें फोन में बात करनी है तो हमें स्पीकर चाहिए, आवाज को भेजना है, रिकॉर्ड करना है तो हमें माइक चाहिए, अगर हमें किसी चीज को देखना है तो हमें डिस्प्ले चाहिए, फोटो खींचनी है तो कैमरा चाहिए। ये बेसिक सी जरूरतें हैं। तो यही सारी चीजें होती हैं जो सारे मोबाइल फोन में आपकी पाई जाती हैं, जिनके खराब होने से हमारे फोन में समस्याएं आती हैं, जो हम एक एक करके इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे। यह सारा टॉपिक एक एक करके सारी चीजों के बारे में आपको सिखाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज होती है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हमारे फोन के लिए क्या उपयोगी होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये सारा चीज आप एक एक करके जितने भी सारे वीडियो देखने वाले हैं, एक अपना नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स बनाने के बाद आप एक एक करके सारी चीजों के बारे में नोट्स करेंगे। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, जैसे अगर देखेंगे ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है 6391711711, 6391211211। तो आप ऊपर वाला नंबर जो है 6391711711, ये वाला नंबर मेरे पास ही रहता है पर्सनली, आप इस नंबर पर ये मैसेज कर सकते हैं या अपने अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम को आप मुझसे पूछ सकते हैं या एक एक चीज़ों के बारे में हल समझ सकते हैं। तो जो भी सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो सीखने वाले हैं, जिनके लिए सारी मैं वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपके लिए रिपेयरिंग सीखने के लिए आपकी बहुत मदद होने वाली है, जिससे आप आसानी से किसी काम को आप कर सकते हैं या आप ये समझ सकते हैं मोबाइल फोन के बारे में, ये समझ सकते हैं कि हम इसको कितना आसानी से सीखा जा सकता है, कितना आसानी से काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। सबसे पहली बात करते बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज होती है, मैं आपको एक एक करके रिटेन में करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक साइंस की वह शाखा है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पीसीबी में यूज होने वाले कंपोनेंट के बारे में सीखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक साइंस की वह शाखा है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब रहता है जैसे आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, रेडियो, जो ऐसी चीज जो बैटरी से चलती हो या जहां पर डीसी सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता हो, उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट्स या प्लेट, सर्किट बोर्ड, इन सब चीजों का जहां पर इस्तेमाल किया जाता है या उनके कंपोनेंट के बारे में जो सीखते हैं, वो सारी हमारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का वर्किंग का स्टाइल क्या रहता है, ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक में सीखने वाले हैं। अब फिलहाल हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ हम उन चीजों के बारे में समझेंगे जो हमारे मोबाइल फोन में उपयोगी है। इसके बारे में सीखते हैं। इसमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ईटीसी,
डिवाइस आती है। इसमें क्या रहता है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी या और भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आती हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज की जाती हैं। अब इस यूज का मतलब होता है पीसीबी के बारे में यूज करना, पीसीबी के बारे में ये सारी चीजें जो होती हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको दिया होता है। तो ये सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा वर्क करता है वो एक किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, कैसे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी सारी डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो मोबाइल फोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, रेडियो है, लैपटॉप है, कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ जब तक काम करेगी जब तक आप उसको करंट नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? करंट। करंट नहीं देंगे। देखिए मैं मार्कर को चेंज करता हूँ, दो मिनट को वेट करेंगे। करंट, देखिए अब हम बात करेंगे कि करंट के बारे में सीखते हैं। करंट क्या चीज होता है? सबसे पहली बात क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के चलने के मूवमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बहाव को ही हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। कि मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन जो चलता है उसी चलने की पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब करंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो पहला अपना करंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एसी, उसके बाद दूसरा करंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डीसी। एक तो पहला करंट को क्या बोलेंगे हम लोग, एसी करंट, उसके बाद दूसरा करंट जो होता है उसे हम लोग बोलेंगे डीसी करंट। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेट करंट। एसी का पूरा नाम क्या होता है, अल्टरनेट करंट। डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का पूरा नाम क्या होता है डायरेक्ट करंट। तो हमारे करंट जो होता है दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, एक अपना क्या होता है एसी हो जाता है, दूसरा क्या होता है डीसी हो जाता है। एसी जो करंट होता है उसका जो सिंबल होता है इस तरीके का होता है, ऐसा निशान बना होता है तो क्या होता है एसी का सिंबल होता है, और इस तरीके का निशान बना होता है तो ये किसका निशान होता है डीसी का। ये डीसी का सिंबल होता है, ये एसी का सिंबल होता है। एसी करंट में कोई प्लस माइनस नहीं होता, एसी करंट सिंगल वायर पे ही काम कर सकता है। एसी करंट को कभी स्टोरेज नहीं किया जा सकता, एसी करंट को स्टोरेज नहीं किया जा सकता। एसी करंट मोस्टली ज़्यादातर हाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। अब बात करते हैं डीसी करंट की, बात करते हैं तो डीसी करंट जो रहता है ये लो वोल्टेज पे काम करता है, इसमें अपना प्लस माइनस होता है, इसे हम लोग बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। डीसी करंट मोस्टली डायरेक्ट नहीं बनता, एसी से कन्वर्ट होकर के ही डीसी को बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये अपना एसी करंट होता है, दूसरा करंट क्या होता है डीसी। डीसी अब हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में, बात करते हैं आप सारे लोग ये सब चीज़ें के स्टेप बाय स्टेप को नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे करंट के यूनिट के बारे में, बात करेंगे यूनिट क्या चीज होता है करंट के अंदर। सबसे पहली चीज यूनिट में बात आती है तो जिसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलेंगे? वोल्टेज। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, यह करंट की लिमिट सेट करता है। वोल्टेज क्या काम करता है, वोल्टेज करंट की लिमिट सेट करता है। कि मतलब ये सेट करेगा करंट 12 वोल्ट है कि 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। जैसे मैं कहता हूँ कि आपका ग्राम, किलोग्राम, कुंटल, ये सब क्या है, ये वजन की लिमिट सेट कर रहा है। जैसे मैंने कितना बड़ा पत्थर उठा लिया, अब वो पत्थर उठाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए भैया पत्थर कितने का, मैं उठा भी सकता हूँ नहीं उठा सकता, तो हमने लिमिट सेट कर दी 20 किलो का है वो, तो हम 20 किलो उठा सकते हैं। अगर वो 200 किलो का है, अब मेरी लिमिट से बाहर है तो मैं उसको नहीं उठा सकता। तो जाहिर सी बात है कि 10 ग्राम का है तो भी वजन है, और 100 ग्राम का है तो भी वजन है, और 2 क्विंटल का है तो भी वजन है। वजन तो वजन ही है, लेकिन बात है कि उसकी लिमिट क्या है। तो उसी तरीके से क्या होता है, करंट तो करंट है, चाहे कम हो या ज्यादा हो वो करंट है, लेकिन उसकी लिमिट होती है। यह करंट की लिमिट को सेट करता है। वोल्टेज क्या करता है, करंट को लिमिट को सेट करता है।
इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? वी से प्रदर्शित करेंगे। किसको? आप वी से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद करंट के बाद दूसरी चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर या करंट की स्पीड शो करता है। मतलब ये धारा की प्रवाह को सदर प्रेजेंट कराता है कि हमारा जो करंट है उसका फ्लो कितना है, मतलब उसमें प्रेशर कितना होता है, स्पीड कितना है, ये शो करता है। तो ये क्या काम करता है? ये करंट की स्पीड को शो करता है, स्पीड को दिखाता है। इसे ए या आई से प्रदर्शित करते हैं। यह करंट की स्पीड को शो करता है, इसे ए या आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए या आई से। आई से प्रदर्शित करते हैं कि अगर ए लिखा है तो भी एम्पियर है, आई लिखा है तो भी एम्पियर है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में। थर्ड चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वॉट। वॉट वॉट का मतलब क्या होता है? पावर। पावर का मतलब क्या होता है? क्षमता यानी ताकत या करंट की लोड क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह क्या काम करता है? करंट की लोड क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसे पी या डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पी या डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे कि हम यह करंट की लोड या क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसे पी या डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे कि पी लिखा होगा या डब्ल्यू लिखा होता तो इसका मतलब है ये वॉट को प्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो आपका वोल्टेज हो गया, एम्पियर हो गया, वॉट हो गया, इन सब चीजों के बीच में फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है W बराबर V into I। इसमें क्या रहता है? एक फॉर्मूला होता है कि W बराबर V into I। अब देखिए आप देखेंगे कि जैसे ये मतलब पावर, पावर कैसे आती है कि पावर जो प्रदर्शित होती है, मतलब आपका जो करंट है और करंट के अंदर स्पीड कितना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से ही ताकत जनरेट होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने आज 50 रोटी खा ली और 50 रोटी खाते ही मुझे एकदम से 50 रोटी की ताकत आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो खाया और मेरी बॉडी कितनी बड़ी है, मेरा बॉडी का साइज कितना है, क्योंकि जितना बॉडी का साइज होगा उसी हिसाब से मैं एनर्जी को जनरेट करूंगा, जितना एनर्जी को जनरेट करूंगा उतना ज्यादा मैं लोड उठा पाऊंगा। तो उसी तरीके से इसमें फॉर्मूला बैठता है कि W बराबर V into I। अगर देखेंगे तो जितने भी सारे इंडिया के अंदर कहीं भी चले जाइए, बिहार, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्टेट कहीं भी चले जाइए, तो सब जगह पर जो वोल्टेज आता है वो अपना वोल्टेज कितना होता है? 220। वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्टेज होता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका करंट आने का जो स्पीड रहता है वो हमेशा क्या रहता है? 5 एम्पियर रहता है। कितना रहता है? ये बाय डिफॉल्ट है, ये गवर्नमेंट ने दे रखा है कि करंट हमेशा 220 वोल्ट आएगा और वोल्टेज कितना होगा? 5। अगर 220 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका जो बैठ जाएगा 5 × 10 × 10 1100, मतलब कितना हो जाएगा? 1100, मतलब 1.1 किलोवाट। 1100 का मतलब क्या हो गया? 1.1 किलोवाट कि इतना गवर्नमेंट करंट हमें देती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो हमारे घरों में जो बिजली के मीटर लगते हैं वो 1 किलोवाट से नीचे नहीं होते। क्यों नीचे नहीं होते? क्योंकि गवर्नमेंट उसको नीचे दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो करंट ही दे रही है, वो 1 किलोवाट के हिसाब से तो लोड दे रही है, तो वो आपको कैसे दे पाएगी? आप इस्तेमाल करो चाहे ना करो, उससे कोई लेना देना नहीं, वो 1 किलोवाट आपको दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि 220 वोल्टेज दे रहा है। अब 5 एम्पियर उसका स्पीड है, उसका फ्लो कितना है? 5 एम्पियर है। और जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना है? 220 वोल्ट सेट है, ये फिक्स है कि 2 एम्पियर जो है उसका 220 वोल्ट करंट आएगा और 5 एम्पियर के हिसाब से आएगा।
तो ये आपका कितना निकलता है 1100 होता है, इसलिए हमारा जो मीटर लगा होता है 1 किलोवाट का लगा होता है। फिर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि 1 किलोवाट का होगा तो हम उसमें 250 यूनिट दे रहे हैं, उसके बाद 2 किलोवाट का कनेक्शन लगाओगे तो हम उसमें 450 यूनिट कर देंगे, उसके बाद अगर तुम 3 किलोवाट का कनेक्शन लगाओगे तो फिर हम 750 यूनिट कर देंगे। अब 1 किलोवाट का 250 यूनिट होता है, तो मैं जनरल सी बात कहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ का रेट जो चल रहा है कि 9 रुपया यूनिट चल रहा है, इसने हमको कितना दिया 250 यूनिट दिया। अब हमारा जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है 9 के हिसाब से चल रहा है। अगर हम 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 135, तो टोटल कितना बैठा है 1350। तो अगर मैंने पहले यूज कर लिया तो हमारा जो मिनिमम बिल आने वाला है वो 1350 तो आएगा ही। अगर 250 के नीचे हम इस्तेमाल कर लेंगे, अगर 250 के हम ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर बिल और बढ़ जाएगा। फिर अगर 250 से अगर हम ऊपर चले जाएंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार हम जब ऊपर चले जाएंगे तो गवर्नमेंट हमको बोलेगी कि भैया आपके यहाँ पर लोड ज्यादा है तो आप कनेक्शन को 2 किलोवाट का करवाइए। जब 2 किलोवाट का कनेक्शन करवा लिया तो फिर आपने लकड़ी ले ली, तो जो भाई जो आपका 250 आपको फिर कनेक्शन कर देगा गवर्नमेंट 2 किलोवाट का। लेकिन जब 2 किलोवाट का कनेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको गवर्नमेंट कहेगी मैं आपको 450 यूनिट दूंगी। अब 450 यूनिट करिए, अब 450 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल आपको बैठेगा 1800-1900 रुपए कि भाई कितना भी करो 1800-1900 के नीचे बिल नहीं आने वाला। तो ये इसमें क्या होता है सिस्टम बैठता है, लेकिन वो सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, करंट के फॉर्मूले पे डिपेंड करता है जा करके। अब हम बात करते हैं कि इसका हमारा मोबाइल फोन में क्या उपयोग है, इसका हमारा मोबाइल फोन में कैसे यूज होता है। देखिए मैं आपको एक और कैलकुलेशन समझाता हूँ। मार्का दीजिए, दूसरा मार्का दीजिए। अब हम बात करेंगे जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में ऐसा सिस्टम आता है कि उसके अंदर जो वोल्टेज, एम्पियर, कैलकुलेशन, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा रेशियो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए जैसे आपका जो 1 एम्पियर का चार्जर होता है, 1 एम्पियर का जो चार्जर होता है वो 1500 mAh की बैटरी को चार्ज करता है। 1 एम्पियर का चार्जर जो होगा वो क्या करेगा, 1500 mAh की बैटरी को चार्ज करेगा। ये बात फिक्स है कि हमने जैसे 1 एम्पियर का चार्जर 1500 mAh की बैटरी को चार्ज करता है। आप अगर मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फोन आ गया, उसके अंदर बैटरी लगा हुआ है 3000 mAh का, कितना लगा हुआ है 3000 mAh का, 3000 mAh का बैटरी लगा हुआ है, तो हमें चार्जर लगाना पड़ेगा 2 एम्पियर का। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एम्पियर का चार्जर लगाना पड़ेगा, 2 एम्पियर का। जितने भी मोबाइल फोन होंगे वो वाला मार्केट चल रहा है, आप चेक करिए कि पहले ही निकालने लगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, 2 एम्पियर को चेक करेंगे, तो 2 एम्पियर में क्या चेक करेंगे, मतलब 3000 mAh का जो बैटरी होगा वो 2 एम्पियर के लिए। अगर मान लिया आपका मोबाइल फोन है और उसका बैटरी का एमएच होगा 6000, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। तो हमारे पास क्या होगा, जितने भी सारे मोबाइल फोन होंगे वो बैटरी के हिसाब से ही चार्जर का एम्पियर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखिए अपने यहाँ पर इंडिया का यूएसबी का जो डिफॉल्ट वोल्टेज है वो भैया 5 वोल्ट है। कोई भी यूएसबी सप्लाई चली ले लीजिए, उसमें सब में 5 वोल्ट ही करंट आएगा। जब उसमें 5 वोल्ट करंट आने वाला है तो फिर आप ये बात को समझ लीजिए कि फिर क्या करेंगे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप 8 वोल्ट का चार्जर लगा देंगे बैटरी बढ़ी तो चार्जर बढ़ा देंगे, चार्जर नहीं बढ़ेगा, चार्जर वही रहेगा लेकिन उसका एम्पियर बढ़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लिया आपके घर में टंकी रखी है, 1000 लीटर की टंकी रखी है और आपने जो पाइप लगा दिया, जैसे पाइप लगा हुआ है, आपने पाइप लगा दिया 2 इंची का पाइप ऊपर तक कनेक्शन करवा दिया। अब 2 इंची का पाइप का जो कनेक्शन है वो 1000 लीटर को 3 घंटे में भर रहा है। अब आप चाहते हैं कि भाई 1000 लीटर हमारी 1.5 घंटे में भर जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप सोचेंगे क्या करता हूँ, पाइप ये वाला फाड़ कर लगवा देता हूँ और 4 इंची का लगवा देता हूँ। तो 4 इंची का पाइप नहीं लगेगा, पाइप 2 इंची का ही रहेगा, लेकिन आपको उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर पानी के स्पीड को बढ़ा दीजिए। पानी का स्पीड जब बढ़ जाएगा तो पानी का प्रेशर तेज हो जाएगा, जब पानी का प्रेशर तेज हो जाएगा तो आपकी टंकी क्या हो जाएगी, जल्दी चार्ज होगी।
मतलब स्पीड में भरेगी चार्ज, क्योंकि मतलब जल्दी भरेगी। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है वो हमारी मोबाइल फोन की बैटरी क्या होता है, वोल्टेज स्टोरेज होता है। क्या होता है? वोल्टेज स्टोरेज, जो वोल्टेज को अपने अंदर भरता है, वोल्टेज को अपने अंदर क्या करता है, भरता है, स्टोर करता है, अपने अंदर भरता है। ये जो टंकी है ये हमारा एम्पियर क्या है, उसका फ्लो है, जो बाइक है उसका फ्लो है। तो 4 एम्पीयर के चार्जर बनाएंगे तब हमारी बैटरी क्या हो जाएगी, 6000 mAh की बैटरी भरेगी। इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी सारे फोन आजकल 5 एम्पीयर 6 एम्पीयर होते चले जा रहे हैं, तो उसके अंदर चार्जर भी हमको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लिया हमारे पास मोबाइल फोन आ गया, अब उसके अंदर भाई कोई कस्टमर आता है कहता है मैं चार्जर दे दीजिए, तो हम क्या काम करते हैं, चार्जर दे देते हैं। चार्जर देने के बाद वो बैटरी लगा देता है, 2 दिन बाद आके कहता है यार बैटरी भैया चार्ज ही नहीं हो रही, पहले वाला जो चार्जर था उससे बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होती थी, अब मेरे फोन में बैटरी नहीं चार्ज हो रही, यह बहुत स्लो चार्ज हो रही। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग उसको देने से पहले हमको उसको सजेस्ट करना है, हमको देखना है, हमको ये देखना है कि उसके मोबाइल फोन में कितना एमएएच का बैटरी लगा हुआ है। जितने एमएएच का बैटरी लगा हुआ है आप उसी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको दें। जैसे कि आपके घर में 10 पंखे लगे हुए हैं तो आप उसी हिसाब से इन्वर्टर लगवाएंगे, ये नहीं कि बैटरी लगा लिया छोटा तो पंखे लगा दिए 10 कैसे चलेंगे भैया, तो ये कैलकुलेशन मैच होनी हो चाहिए। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि हमारे मोबाइल फोन में जितने साइज का बैटरी लगा होगा उसी बैटरी के साइज से ही हम लोग क्या करेंगे, उसका चार्जर का वोल्टेज या एम्पियर देंगे। अब देखिए बैटरी को चेक कैसे करते हैं, बैटरी को चेक करने के लिए कोई फोन दीजिए कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन आ गया है, आप देखिएगा सभी लोग, सब लोग को क्या करना है, आपके पास कोई फोन बनने आ जाए, मैं कहता हूँ आपके पास फोन आ गया वीवो का 91 आ गया। अब वीवो का 91 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है वीवो गूगल पे गए, गूगल पे यहाँ पर टाइप किया, वीवो Y91 स्पेस यहाँ पर लिखना CPU 91, इसके बाद यहाँ पर लिखना स्पेसिफिकेशन ऐसे, फिर आपको जो सबसे पहले साइड मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं GSM अरीना, क्या बोलते हैं GSM अरीना, हम लोग क्या करेंगे GSM अरीना को ओपन करेंगे। GSM अरीना को ओपन करने के बाद फिर देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे 4030 mAh की बैटरी लगी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम आता है, क्या कॉलम आता है, सब लोग जैसे नेटवर्क लॉन्च बॉडी डिस्प्ले प्लेटफॉर्म मेमोरी मेन कैमरा सेल्फी कैमरा साउंड सीमॉस फीचर्स बैटरी, आप बैटरी वाले में जाएंगे तो बैटरी में देखेंगे इसमें लिखा है लिथियम पॉलीमर की 4030 mAh की बैटरी लगी है। देखिए कितनी लगी है बैटरी, 4030 mAh की बैटरी लगी है। जब इसमें 4030 mAh की बैटरी लगी है, बैटरी आपकी कितनी लगी है, 4030 mAh की बैटरी लगी है। अब 4030 mAh को आप 1500 से भाग दे दीजिए, क्यों, क्योंकि 1 एम्पीयर निकलता है ना जा करके। अब हम क्या करेंगे 1500 से भाग दे देंगे, हम क्या करेंगे कैलकुलेटर ओपन किया हमने, हमारा कितना है 4030 है ना, 4030 और 4030 को हमने भाग दे दिया, कितने से भाग दे दिया 1500 से, तो हमारा कितना निकल करके आया 2.6, कितना निकल करके आया 2.68। अगर हम इसको भाग देंगे तो हमारा कितना निकल करके आता है 2.6। मतलब क्या होता है कि जो चार्जर आप यूज करेंगे वो 5 वोल्ट का होगा और 2.6 एम्पियर, अगर आप इसको 2.6 एम्पियर के हिसाब से इसको करंट देंगे तब आपकी बैटरी सही चार्ज होगी। और 2.6 का मतलब होता है आप उसमें जो चार्जर लगाएंगे वो 2.8 का लगाएंगे, जब आप उसमें 2.8 का लगाएंगे तब उसमें 2.6 निकलेगा। मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आता है,
अगर आप देखेंगे आजकल मोबाइल फोन में ये लिख कर के आ रहा है कि चार्जर 25 वाट, 75 वाट, 65 वाट, ऐसा चार्जर में लिख कर के आ रहा है। हम आपको वो भी जरा समझाते हैं। अगर उसमें एम्पियर नहीं लिखा हुआ, कंपनी ने एम्पियर नहीं लिख करके उसमें 65 वाट लिख दिया, आप देखिए उसके लिए मैं आपको गूगल पे जाता हूँ। हम लोग गूगल पे गए, जैसे Y91 सर्च किया है, ऐसे मान लिया हमने कोई मॉडल सर्च किया, रियलमी 7, रियलमी 7 ये हमने सर्च किया, ये खुल गया। अब आपने क्या करना है, इसकी GSM अरीना को ओपन करना है। ये देखिए इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी। अगर आप गौर से देखेंगे और जाएंगे बैटरी, फिर हमको जाना है वही बैटरी वाले कॉलम पे जाना है। देखिए फीचर्स, देखिए इसके अंदर देखेंगे 5000 mAh की बैटरी और 30 वाट, क्या लिखा है 30 वाट, 50% चार्ज हो जाएगा अभी 26 मिनट में। कैसे हो जाएगा, इसके अंदर चार्जर लगा है, कितने वाट का लगा है, 30 वाट का लगा है। अब 30 वाट का चार्जर लगा है, अब हम इस कैलकुलेशन को समझेंगे, फिर वही अपना फॉर्मूला आ जाता है। क्या फॉर्मूला आ जाता है, पी बराबर V2I। अब आपका पावर कितना है, 30 वोल्ट है। वोल्टेज तो अपना डिफॉल्ट भैया 5 रहता है, आई कर दीजिए आप 30 को भाग देंगे 5 से, तो आपका एम्पियर कितने निकलेगा, 6। तो मतलब आपको चार्जर लगाना पड़ेगा, 6 एम्पियर का चार्जर लगाना पड़ेगा। जब आप 6 एम्पियर का चार्जर लगाएंगे, मतलब चार्जर की स्पीड कितनी तेज हमने कर दी कि भाई 2 नहीं 4 नहीं 6 एम्पियर, 6 एम्पियर का चार्जर लगाया तब हमारे मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये सारा सब चीज़ आज जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा कि करंट वोल्टेज एम्पियर के बारे में। इस तरीके से आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आ जाए, ओप्पो का फोन आ जाए, रियलमी का फोन आ जाए, उसके अंदर 5000 mAh बैटरी लिखी है, उसके अंदर 15 वाट चार्जर लिखा है, 18 वाट चार्जर लिखा है, 70 वाट, 65 वाट चार्जर लिखा है, तो उसका क्या रीजन होता है, आप इस कैलकुलेशन से सारे लोग निकाल सकते हैं। ये एक समझना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोग रिपेयरिंग करने वाले हैं, जब तक हमको ये छोटी सी छोटी बातें अगर नहीं समझ में आएगी तो हमको रिपेयरिंग करने में बहुत परेशानी आएगी, हम बैटरी को कभी उसको आखिरी दम तक बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, या उसको उस वे में नहीं चार्ज कर सकते जो कंपनी ने दिया हुआ है। मैं कहता हूँ आपके पास कोई फ़ोन आएगा जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग ऑप्शन होता है, आप नॉर्मल चार्जर लगा देंगे, भैया कभी फास्ट चार्जिंग होगी नहीं। क्यों फास्ट चार्जिंग नहीं होगी, उसका रीज़न है। क्या रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि उसको 6 एम्पीयर के हिसाब से करंट चाहिए था, हम उसको दे रहे हैं 3 या 4 के। मार्केट में जो सबसे बड़ा चार्जर आया है वो 3.8 एम्पीयर आया है इस समय पर। अब 3.8 एम्पीयर से चार्जर नहीं आ रहा है, या तो आपके पास ओरिजिनल चार्जर होना चाहिए। अब चार्जर भी अगर आप 6 एम्पीयर के चार्जर खरीदने जाएंगे तो चार्जर आपको महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एम्पीयर कौन पैदा करता है, ट्रांसफार्मर। तो कंपनी को ट्रांसफार्मर बड़ा लगाना पड़ेगा, मॉस्फेट लगाने पड़ेंगे। तो जब ट्रांसफार्मर मॉस्फेट बड़ा लगाने पड़ेगा तो उसका कॉस्ट महंगा आएगा, जब कॉस्ट महंगा होगा तो चार्जर भी महंगा होगा। मार्केट में 150-200 का चार्जर मिल रहा है, कहाँ से 6 एम्पीयर निकाल देगा भाई, जितना गुड़ डालोगे उतने का मीठा होगा। आप चार्जर में जब तक ट्रांसफार्मर है वो मॉस्फेट नहीं लगाओगे तो वोल्टेज एम्पीयर कैसे तेज होंगे जाकर के। देखो एक बात तो फिक्स है, वोल्टेज वही रहेंगे, वोल्टेज वही रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपका उसका यूज कितना है, जितना यूज है तो उतना स्पीड मिली चीज, जितना स्पीड मिलेंगे तभी काम करेंगे, और जो स्लो स्पीड बढ़ेगा उसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम सब लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आप एक एक करके नोट करिए, समझिए, फिर उसके बाद वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और उनको समझ में आए, वो इस तरीके से क्लास को ज्वाइन कर सकें। ये क्लास अभी स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन क्लास है, जो एक एक करके सारे स्टूडेंट अपना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपका नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर रिप्लाई करिए ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या सारी चीज़ें समझ रहे हैं। ये हमारी टीम आपको मदद करेगी, सीखने सिखाने में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू, ओके सर।